नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बड़ी खबर हथुआ से सामने आ रही है, जहां राजद विधायक पर गंभीर आरोप लगाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि राजद विधायक पर दबंगई और फायरिंग करने का आरोप लगा है। आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है। आपको बता दें कि हथुआ के राजद विधायक राजेश कुमार सिंह पर दबंगई करने और उनके सुरक्षा जवानों के द्वारा विवादित जमीन पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। इस मामले में हथुआ के आईटीआई मोड़ निवासी सबिया सिद्दीकी ने राजद विधायक के खिलाफ हथुआ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना बीती रात हथुआ के आईटीआई मोड़ की है। इस मामले में राजद विधायक ने किसी भी तरह की फायरिंग से इनकार किया है। उन्होंने अपनी गाड़ी की शीशा तोड़ने का आरोप लगाया है। बहरहाल कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। गोपालगंज एसपी मनोज कुमार तिवारी ने भी मौके पर पहुंच मामले की जांच की। बताया जाता है कि हथुआ के आईटीआई मोड़ पर सारा इंटरनेशनल स्कूल है। इसी स्कूल की जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चलता आ रहा है। सबया खातून के मुताबिक वो इस स्कूल की संचालिका है और उसने कहा है कि राजद विधायक राजेश कुमार कुशवाहा के भाई विजय बहादुर सिंह द्वारा 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। जब उसने पैसा देने से इनकार किया तो विजय बहादुर सिंह, राजद विधायक राजेश कुमार सिंह और मनोज कुमार सिंह सहित सुरक्षा गार्ड और अन्य समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर कई राउंड फायरिंग की और मारपीट भी की गई। पीड़िता ने इस मामले में हथुआ थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं फायरिंग की वारदात के बाद मौके पर हथुआ एसडीएम अनिल कुमार, रमन एसडीपीओ नरेश कुमार सहित कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। देर रात एसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इस मामले में राजद विधायक राजेश कुमार सिंह ने भी हथुआ थाना में लिखित शिकायत दर्ज की। अभी भी हथुआ के आईटीआई मोड़ पर तनाव देखा जा रहा है और स्थानीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव पर बैकुंठपुर पीएचसी के चिकित्सकों ने गाली गलौज करने का आरोप लगाकर ओपीडी सेवा बंद कर दी थी। बिल्कुल, तो इससे पहले भी राजद विधायक पर कई गंभीर आरोप लगे थे। बैकुंठपुर के जो राजद विधायक थे उन पे भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे चिकित्सकों के द्वारा, और एक बार फिर से हथुआ के राजद विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।